हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, कैसे हो आप सब? सो बहुत दिनों बाद आज आपको दिख रहा होगा लाइब्रेरी का ब्लॉग। सो फाइनली गाइस, मेरा एग्ज़ाम भी हो गया था एसएससी का, और सिलेक्शन फेस 12 का एग्ज़ाम था। मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट दे के आई हूँ, बाकी देखते हैं गाइस। लेकिन सच बताऊँ तो मेरी प्रिपरेशन उस हिसाब से थी नहीं कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, बट स्टिल हाँ, मैंने अपनी पूरी मेहनत दी। और रीजनिंग तो काफ़ी अच्छे से हुई थी, मैथ्स के थोड़े क्वेश्चन थे मॉडरेट जो कि मेरे से नहीं हो रहे थे। स्टिल इंग्लिश भी सही थी, है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं थी, मीडियम ही थी, प्रैक्टिस बेस है इंग्लिश का। तो और रही बात जनरल अवेयरनेस, तो उसमें भी क्वेश्चंस 2022 2020 इसके रिलेटेड आए थे जो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड थोड़े से थे। सो अभी एग्ज़ाम हो गया है, नानी के यहाँ भी घूम आए हैं, अब मैं आ चुकी हूँ वापस। और चलो अब पढ़ते हैं गाइस, अब आने वाले हमारे कॉलेज के स्टार एग्ज़ाम्स, और कल परसों से ही मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम शुरू हैं, और 1 जुलाई से, मतलब 2 जुलाई से शुरू है मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम। और अभी मेरे को जल्दी से ना, मतलब कुछ नहीं, मिनी रिवीजन करना है आज मेरे को लाइब्रेरी में कम से कम, क्योंकि लिखने वाला सिस्टम तो मेरा पहले ही हो चुका था, तो अभी सिर्फ होगा रिवीजन। और जिसमें आपको पता है 4 यूनिट आ रही हैं बस, और हमारा जो बुक है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली, है ना, प्रस्पेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गाइस। तो उसी के नोट्स प्रिपेयर करूँगी मैं थोड़े से, और जो कि वन शॉट नोट्स होंगे, जिससे मेरा रिवीजन कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मुझे चीज़ आती है कि नहीं। और शायद जब तक ये व्लॉग आपके पास आए और तब तक मेरा एग्ज़ाम हो भी चुका होगा, है ना। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल मैंने सोचा पहले ना जल्दी से यूट्यूब ओपन किया। यूट्यूब पे आपको पता मनीष वर्मा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप डालेंगे, वहाँ पे आपको SOL का सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, और सर की क्लासेस भी काफ़ी अच्छे से होती है, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो भी इसमें आपको बता देते हैं। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, फिर उसका अर्थ, परिभाषा, फिर थिंकर्स, थिंकर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस, है ना। उसके अलावा बीच का कंटेंट लिखना होता है उसमें, देन लास्ट में उसकी आलोचनाएँ या विशेषताएँ, वो सब लिखने के बाद आपको उसका निष्कर्ष लिख देना है, और आंसर ख़त्म। और क्या कहते हैं, मैंने तो अभी फ़िलहाल ये देख सकते हो जो पेजेस है ना, इसी में मेरे नोट्स बन रखे थे, तो मेरे को तो बस इन्हीं का रिवीजन करना था। और मैं यहाँ पे ना कुछ कुछ मेन पॉइंट्स थे ना वो नोट कर रही थी, जो कि इस एग्ज़ाम में अगर मैं ये नोट डाउन कर दूँगी तो मेरा एक आंसर शीट को रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा इन्हेंस हो जाएगा इसी वजह से। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से नोट्स प्रिपेयर करती हुई, कुछ नहीं, कुछ नाम ऐसे होते हैं ना थिंकर्स वगैरह के गाइस की, जो ना मतलब याद करने में ना प्रॉब्लम होती है ना, कुछ कुछ बड़े अजीब अजीब से नाम होते हैं, कुछ है जो हमने शुरू से सुन रखे हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो, ये तो बहुत ही कॉमन हो गए, है ना, मैक्स वेबर, वुड्रो विल्सन, हर्बर्ट साइमन, फ्रेडरिक ट्रेलर वगैरह, है ना, जॉन एफ, इस तरह से काफ़ी सारे होते हैं, ड्रफर, ये हैं जो कि हमारे राजनीतिक विज्ञान के विद्वान हैं, जिनके द्वारा कई कई विचारधाराएं दी जाती हैं, इनकी परिभाषा दी जाती है, है ना, अलग अलग टॉपिक को लेके, और इनके द्वारा थ्योरीज दी जाती हैं, जैसे कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, है ना, साइंटिफिक रिलेशन थ्योरी, तो इस तरह से इनकी थ्योरीज़ वगैरह थी, और कब कब इन्होंने थ्योरीज़ वगैरह दी, तो वही सब मैं नोट डाउन करी थी। और अगर आप भी एक कॉलेज स्टूडेंट हो और साथ के साथ एक सच्चे दिल के एस्पिरेंट भी हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो आपको भी अपनी चीज़ों को मैनेज करके चलना चाहिए, चीज़ों को स्किप नहीं करना चाहिए, और हाँ लिखने की आदत आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जैसे कि मैं क्या कहते हैं, मेरे को काफ़ी अच्छे से लिखने की आदत है, तो मैं लिखती रहती हूँ ताकि मेरी ना ये लिखने वाली हैबिट छूटे ना, और जब मेरे को कॉलेज के एग्ज़ाम्स में वो आंसर शीट भरनी हो ना, वो पूरी शीट फिल करनी हो 3 घंटे के एग्ज़ाम में, तो मैं वो आराम से कर सकूँ और अच्छे से सोच समझ के आंसर, मतलब माइंड में एनालाइज करते जाओ और उसको अपनी कॉपी पर रिप्रेजेंट करते जाओ काफ़ी अच्छे से, और कुछ कुछ थोड़े बहुत फ्लो चार्ट भी बना दिया करो एरो वगैरह करके, है ना, तो वो आपकी चीज़ों को और इन्हेंस करता है। सो फाइनली गाइस, आज का व्लॉग इतना ही, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, सी या।